बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक आज शाम रात और आने वाले 24 घंटों के दौरान कश्मीर, जीबी, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों, शमाली और वस्ती बलोचिस्तान और सुबह पंजाब के बालाई इलाकों में मतला जुज़वी अबररुद रहने के अलावा बाज़ मकामात पर बारिश की शुरुआत होगी, जबकि मुल्क के दीगर वस्ती इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। तफसीलात के मुताबिक आज मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खिता, पटौर, अटक, चकवाल, झेलम और मलहिका इलाकों में, दीर, चतराल, सवात, एबटाबाद, मर्दान, कोस्तान और दूसरी जन चमन, कोयटा, पशीन, पंजगोर, तुरबत, ज़ियारत और कीर्तन में मतला अबर आलूद रहने के अलावा बाज़ मकामात पर गरज चमक के तूफान बनने और बारिश का इम्कान। वस्ती और जनूबी पंजाब, कश्मीर समेत सूबा खैबर पख्तूनख्वा में और बालाई इलाकों, कश्मीर जिम्मे में भी कहीं कहीं मतला अबर आलूद रहने और बारिश का इम्कान बन सकता है, जबकि कराची समेत सिंध के बेश इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तो ताहम वेदर लवर्स इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। बारिशों के लंबे तूफानी सिलसिलों की आमद शुरू हो चुकी है। 16-17 मार्च से 24-25 मार्च के दौरान मुल्क के बेश इलाकों में शदीद बारिशों के दो सिलसिले मुल्क पर असरअंदाज होंगे, जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सूबह बलोचिस्तान के 100% इलाकों और कराची समेत सिंध के ज़्यादातर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश, यालाबारी और शदीद मौसमी सूरतहाल का इम्कान। इसलिए शहर किसान मोहतात।